चीज पे, जैसे कि स्टोव हो गया या फिर किसी चूल्हे वूल्हे पे गर्म करना, तो बेवकूफी होगी। सीधे सीधे ही फ्लेम के कारण पेट्रोल के अंदर आग लग जाएगी और उबलने से पहले ही ये चीज जल जाएगी और वो काफी खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे इस इंडक्शन कुकर का, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लेम वगैरह नहीं जलती है। तो चलो पेट्रोल को डाल देते हैं इस पतीली के अंदर, आई थिंक इतना पेट्रोल काफी रहेगा। और गाइस यार, ऐसा कोई भी काम करने से पहले हमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी ABC टाइप वाला, जो कि मेनली पेट्रोल जैसी फायर के लिए यूज में होता है। ऑलराइट गाइस, तो चलो करते हैं इस चूल्हे को ऑन, इसे रखते हैं पास में और अब देखते हैं। ऑलराइट गाइस, हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पेट्रोल है वो किस तरीके से बॉइल होना स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो दो मिनट भी नहीं हुए, आई मीन एक मिनट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर से काफी सारी वेपर्स बाहर निकल रही है। इसे थोड़ा सा बॉइल होने देते हैं, फिर देखते हैं कि लास्ट में इसके अंदर से क्या बचता है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल है वो बॉइल हो चुका है और इसके अंदर जिस तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वेपर्स निकलते हैं उस तरीके से वेपर्स निकल रहे हैं। चलो इस चीज को बाहर निकालते हैं और खाली करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज बची है। वाओ, इसके अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पेट्रोल जल जाता है उस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल था वो पूरा खत्म हो चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब इसके अंदर जो ये चीज है ये पेट्रोल की तरह तो दिखाई नहीं दे रही है, मे भी ये जो है ऑयल है। तो गाइज ये होता है जब हम पेट्रोल को बॉइल करते हैं। गाइज एक और चीज कि अगर हम पेट्रोल को मान लो बॉइल कर रहे हैं और गलती से वहां पे चिंगारी लग जाए तब क्या होगा। तो चलो इस चीज का भी पता लगा लेते हैं। इस बार इसको दोबारा से बॉइल करते हैं और चिंगारी फेंकते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखा आपने, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा देरी होती तो जो वायर्स हैं वो भी जल जाते हैं और साथ ही साथ जो चूल्हा है वो भी जल जाता। देखा गाइस, आपने सिर्फ थोड़ी सी देर में धमाका हो गया। तो गाइस ये होता है जब हम पेट्रोल को बॉइल करते हैं। अगर कोई चिंगारी नहीं है, कोई नेकेड फ्लेम नहीं है, तो जो पेट्रोल है वो बॉइल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई चिंगारी टच में हुई बम, हमने जरा से पेट्रोल का यूज किया था, पेट्रोल ज्यादा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऑलराइट गाइस, तो यार आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है जब हम पेट्रोल को बॉइल करते हैं। और हाँ, पेट्रोल को बॉइल किया जा सकता है।